हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुबोध मूल चंदानी, लेक्चरर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। सो फ्रेंड्स, आज अपन डिस्कस करेंगे पिछले टॉपिक डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का बचावा पार्ट जो है अपना न्यूमेरिकल पोर्शन आज देखेंगे अपन। तो उससे पहले अपन एक टर्म समझते हैं, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी ई। अब ई क्या होती है, लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी? तो ये होती है द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ लोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉलम सच दैट इफ लोड एक्ट विथ इन दिस डिस्टेंस देर इज़ नो टेंशन इन द कॉलम। तो मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो ये वह अधिकतम दूरी होती है कॉलम के सेंटर से जिस दूरी तक कॉलम में कोई भी टेंशन ना हो, टेंशन फोर्स डेवलप ना हो, उस दूरी तक जो फोर्स लगता है तो उस डिस्टेंस को अपन कहते हैं लिमिट ऑफ एसेंट्रिसिटी। और उस डिस्टेंस से आगे जाते ही उस कॉलम में टेंशन डेवलप होने लगता है। तो अपना मेन मोटो यही होता है कि कॉलम में जो है मेनली कंप्रेसिव मेंबर्स के रूप में डिज़ाइन होते हैं, तो उसमें टेंशन कम से कम क्रिएट हो। तो इसमें व्हेन लोड इज़ एक्टिंग विथ इन ई लिमिट तो सिग्मा मिनिमम विल बी कंप्रेसिव पॉजिटिव। तो जब लोड जो है ई लिमिट में होगा तो स्ट्रेस जो होगी वो कंप्रेसिव होगी, पॉजिटिव होगी। व्हेन लोड इज़ एक्टिंग एट द पॉइंट ऑफ ई लिमिट सिग्मा मिनिमम विल बी ज़ीरो। अगर वो ई लिमिट में एक्ट करेगा तो लोड जो तो ये ज़ीरो होगी। एंड व्हेन लोड एक्टिंग बियॉन्ड ई लिमिट तो सिग्मा मिनिमम विल बी टेंसाइल नेगेटिव। इसको अपन इस डायग्राम से समझते हैं। ये आप देखिए, जैसे अगर ई लिमिट के अंदर है लोड तो ये पॉजिटिव रहेगा, ई के बाहर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसा लास्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक एग्जांपल। ये एक टी सेक्शन है और टी सेक्शन का एग्जांपल अपन करते हैं आज। तो अ कॉलम ऑफ टी सेक्शन shown in figure is subjected to a load of 100 kN at a point on centroidal axis 40 mm below the centroidal x axis. Calculate the maximum stress induced in the section. तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है, एक तो फोर्स दिया हुआ है 100 kN का और ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन के ऊपर लोड लग रहा है और एसेंट्रिसिटी जो दी हुई है लोड की हो रही है 40 mm। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करने के लिए इसका सीजी निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका अपन को बेंडिंग स्ट्रेस निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m अपॉन i इंटू y। तो अपन को इसका आई चाहिए होगा और आई कैलकुलेट करने के लिए अपन को इसका सीजी चाहिए होगा। तो अपन कैलकुलेट करते हैं सीजी को। तो सीजी को कैलकुलेट करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, ऊपर वाला पार्ट वन है, नीचे वाला पार्ट टू है। तो A1 A2 निकालेंगे, Y1 Y2 निकालेंगे, ये सब आप पहले कर चुके हैं। सीजी निकालना आप सबको आता है, तो इसकी वाई बार जो है 149.70 आ जाएगी। देन इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अपन पहले पढ़ चुके हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है इसमें IG प्लस AH स्क्वायर से। तो दो पार्ट में निकाला है इसको भी, IXX1 और IXX2। फर्स्ट के लिए IXX1 यूज़ किया है और सेकेंड के लिए IXX2 यूज़ किया है। तो IXX1 BD³/12 तो 220³/12 और एरिया इसका अपन निकाल चुके थे। H जो है अपना Y̅-Y1, तो अपना Y̅ आया था 149.7 और Y1 देखिए क्या हो जाएगा, 180 प्लस इसके आधे तक 10 तो 190 हो जाएगा। तो 149-190 तो 190-149 H जो है अपना डिस्टेंस बिटवीन CG ऑफ सिंगल डायग्राम एंड होल डायग्राम।
तो ये सॉल्व किया तो आई एक्स एक्स वन आ गया, इसके बाद आई एक्स एक्स टू भी इसी तरह से करेंगे अपन, तो आई एक्स एक्स टू निकालने के बाद दोनों को ऐड कर दिया तो ये फाइनल अपना आई एक्स एक्स आ गया। अब जेड एक्स एक्स होता है आई एक्स एक्स अपॉन वाई मैक्सिमम, तो आई एक्स एक्स अपना आया है और वाई मैक्सिमम क्या होगी जो अपनी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो इस केस में जो सी जी है वो अपनी वाई हो जाएगी, तो वो है अपनी 149.17। तो इस तरह से इसको अपन जेड एक्स एक्स निकाल लेंगे। अब आते हैं सिग्मा मैक्स निकालेंगे, पी अपॉन ए प्लस एम अपॉन जेड से, पी तो फोर्स हो गया, ए एरिया हो गया, टोटल एरिया अपन को ए वन प्लस ए टू से 6700 मिला है, यहाँ पे 2700 प्लस 4000 टोटल एरिया 6700 आ जाएगा, तो यहाँ पी अपॉन ए में 6700 एरिया, एम अपना जो है मोमेंट है, तो मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब यहाँ एसेंट्रिसिटी अपनी 40 दी हुई है, फोर्स 100 दिया हुआ है, तो जो पी है इस तरह से लगेगा और इसकी ई तो मोमेंट लेंगे तो वो हो जाएगा पी इंटू ई, तो ये हो जाएगा पी 100 इंटू 10^3 इंटू ई। जेड अपन जो फाइंड कर चुके हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो 40.35 न्यूटन पर एम स्क्वायर ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आ गई, ये मैक्सिमम स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहलाएगी, और सिग्मा मिनिमम हो जाएगा पी अपॉन ए माइनस एम अपॉन जेड, पी अपॉन ए माइनस एम अपॉन जेड करेंगे तो ये इसका 10.51 न्यूटन पर एम स्क्वायर टेंसाइल में आएगा, मतलब ये नेगेटिव आएगा। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना लेंगे, ये नीचे पॉजिटिव कंप्रेशन वाला, ये लाइन के इधर पॉजिटिव और यह नेगेटिव, और 10.51 नेगेटिव। सो दिस इज़ आवर डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो आई होप कि आप अब न्यूमेरिकल कर सकते हैं इसके सारे, ये टी सेक्शन है, इस तरह से आपका आई सेक्शन आ सकता है, सिंपल बीम आ सकती है, तो वही पहले आपको डायरेक्ट स्ट्रेस पी अपॉन ए और एम अपॉन जेड दो चीज़ें पता करनी है, और कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेस निकालनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।